नमस्कार, आप देख रहे हैं बीआईजी टीवी जनता की आवाज। मैं साजन कैमरामैन विकल्प कुमार के साथ आज मैं मौजूद हूं बिहार के कैमूर जिला चांद प्रखंड परसिया गांव में, जो कि चौरी पंचायत में पड़ता है। यहां के पैक्स अध्यक्ष चिंता देवी, उनके पति महेंद्र सिंह हैं, और आइए यहां पे उनके लड़के मौजूद हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि अपने पंचायत के किसानों को क्या क्या सुविधा दिए हैं और क्या मांग करना चाहते हैं। तो बीआईजी टीवी आपका स्वागत है, अपना परिचय करिए। तो आपके चरण को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने पूरे पंचायत की तरफ से। देख, किसानों का जो धान है वो हम हर तरह से खरीदना चाहते हैं, लेकिन सरकार का जो टारगेट है उस समस्याओं को लेकर बहुत किसानों का धान हम नहीं खरीद पाते हैं। कितना टारगेट आपको मिला सरकार? हमको सरकार से 19,000 टारगेट मिला था। पूरा हो गया? जी हाँ, पूरा हो गया। तो और क्या टारगेट बढ़ाना चाहते हैं? क्या एकदम बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत किसान हैं जो कि जिनका धान अभी तक रखे हुए हैं और खरीदारी नहीं हो पा रहा है। किसानों को मतलब टारगेट भी चलते हैं, क्योंकि सरकार सीसी भी नहीं कर रही है, पैसा नहीं है कि हम धान अगला किसानों का खरीदें। गोदाम की क्या स्थिति है? गोदाम की स्थिति बहुत खराब है। देखिए, चौबीस पंचायत में सिर्फ 100 MT का गोदाम जहाँ बैठे हैं, यही 100 MT का गोदाम है और यही ऑफिस है। 100 MT का गोदाम का मतलब कि 1,000 क्विंटल धान खरीदना है, तो बताइए कि जो 18,000 धान है वो हम कहाँ रखें, किस जगह रखें, खुले में रखें। इस वजह से जो हम लोग मजबूर होकर प्राइवेट गोदाम को भाड़े पे लेते हैं। तो सरकार से क्या आपका मांग, क्या करना चाहते हैं? सरकार से ही मांग है कि हर पैक्स को, जितने भी कैमूर जिले के पैक्स हैं, हर पैक्स को जो है एक एक गोदाम धान रखने के लिए और एक एक गोदाम चावल रखने के लिए, क्योंकि चावल गिराने में हर पैक्स को बहुत समस्याएं हो रही हैं, बहुत कठिनाई हो रही है। 10-10 दिन तक ट्रक जो है खड़ी रहती है और चावल नहीं उतर पा रहा है एसएफसी गोदाम में। इसलिए हम सरकार से यही गुजारिश करेंगे कि हर पैक्स को भरपूर मात्रा में एक जो चावल रखने का और धान रखने का एक गोदाम सरकार अपने तरफ से अलाइनमेंट करे हर पैक्स अध्यक्षों के। अपने पंचायत के किसानों के लिए कोई ऐसा सुविधा जाना चाहते हैं जिससे कि किसानों की उपज बढ़े, जिससे किसानों का विकास हो? पहली तो बात तो इस समय तो जो खाद का उर्वरक का जो है बहुत समस्या है सरकार, बिहार सरकार के पास है, और पैक्स अध्यक्षों का जो लाइसेंस है उसमें सिर्फ 100 बोरी ही मिलता है खाद, और पूरे पंचायत को देखिए जनसंख्या बहुत काफी है, 100 बोरी से अगर एक एक बोरी बांटेंगे तब पर भी किसी का नहीं पूरा होगा। इसलिए सरकार जो है एक खाद का भी गोदाम कर दे और हर पैक्स अध्यक्षों को एक गोदाम भरकर और खाद रखने की सुविधा करे और सबको भरपूर मात्रा में जो है खाद वो मिल सके किसानों को, ताकि किसान खुशहाल रहे। धन्यवाद। सर का कहना है कि पंचायत में यदि सरकार एक गोदाम की व्यवस्था कर दे और उर्वरक का भी व्यवस्था कर दे।